15 दिनों के लिए केजरीवाल भेजे गए जेल। भारद्वाज अतिशी की अबारी, जानिए आप पार्टी के बर्बाद होने के चार कारण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी रिमांड के बाद अब उन्हें 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक तरफ जहां केजरीवाल के मामले से ही जुड़े अभियुक्त व सरकारी गवाह बाहर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐसे वक्त में जेल की हवा खानी पड़ रही है। केजरीवाल को बेल मिलने की संभावना भी कम होती जा रही है और शिकंजा भी और कड़ा होता जा रहा है। कहा जा रहा है केजरीवाल के और भी सहयोगी जेल जा सकते हैं। पहले ही सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में हैं। ऐसे में आने वाले समय में केजरीवाल के लिए चार बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो चार बड़ी मुश्किल क्या है, कैसे आम आदमी पार्टी बर्बाद हो सकती है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जेल से सरकार चलाना होगा मुश्किल। जिस तरह शराब घोटाले में जेल गए उनके पूर्ववर्तियों को बेल नहीं मिल सकी है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल को भी काफी दिनों जेल में रहना होगा। ईडी हिरासत में रहते हुए उनको बाहर के लोगों से मिलने का थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता था, पर अब वह भी संभव नहीं होगा। जेलों में कैदियों के लिए कुछ मैनुअल होता है, उसके अनुसार ही लोगों से मिलना जुलना होता है। विशेषकर तिहाड़ में तो सशरीर मुलाकात भी संभव नहीं होता। दो मुलाकातियों के बीच शीशे की दीवार होती है, स्पीकर के माध्यम से दो लोगों के बीच बातचीत होती है। जाहिर है कॉन्फिडेंशियल बात नहीं हो सकेगी। जेल का जीवन समान नहीं होता, शायद यही कारण है केजरीवाल ने भी हर संभव प्रयास किया कि उन्हें बेल मिल जाए। नंबर दो, अतिशी और स्वर भारद्वाज भी जा सकते हैं जेल। बताया जा रहा है ईडी ने संयुक्त पूछताछ में केजरीवाल ने विजय नायर की रिपोर्टिंग से इनकार किया। केजरीवाल ने कहा शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर, आम आदमी पार्टी नेता स्वर भारद्वाज और अतिशी को रिपोर्ट करता रहा है। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने अदालत को बताया केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है विजय नायर, अतिशी और स्वर भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। यह पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में दो मंत्रियों का नाम लिया। खास बात यह है जब ईडी अदालत को यह बता रही थी तो केजरीवाल ने इसका खंडन नहीं किया और चुप्पी साधे रखी। आपको बता दें अतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी भी रही। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे, आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय में काम किया था। यानी दो लोगों के नाम लेने के बाद अतिशी स्वर भारद्वाज भी जो हैं वो जेल की हवा खा सकते हैं। नंबर तीन, अब सीबीआई भी मांग सकती है दिल्ली सीएम की हिरासत। कहा जा रहा है ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ग्राउंड भी सीबीआई की जांच के आधार पर ही तय हुआ था। सीबीआई ने सबसे पहले आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया, शराब कंपनियों और उनके मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई पहली केंद्रीय एजेंसी है जिसने एक केस दर्ज किया था, जिसकी जाँच आगे बढ़ी तब ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया था। नंबर चार, आपके लिए चुनौती, बिखर सकती है पार्टी। केजरीवाल अगर जल्द ही जेल से बाहर नहीं आते हैं तो सबसे बड़ा संकट आम आदमी पार्टी पर पड़ने वाला है। केजरीवाल की अनुपस्थिति के चलते आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। यही नहीं, अपने साथ एक सिटिंग एमएलए को भी बीजेपी में ले गए। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसे देखकर यही लग रहा है पार्टी ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने नीचे कोई सशक्त दूसरी लाइन तैयार नहीं होने दी जिस पर भरोसा था। वो लोग मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन सभी जेल के अंदर हैं, इनमें से किसी के भी अभी बाहर आने की उम्मीद नहीं है।